Hello everyone, welcome to Arts Education. Today we will study Chapter 1, Democracy and Equality of Civics, Part 2. Now let's start. Systems that represent democracy. A democratic government works through a system of voting. So democratic government है वो voting के system से work करती है. In a representative democracy, there is franchise or the right to vote to elect representatives. जो representative democracy होती है उसमें एक franchise होती है और उसका मतलब होता है right to vote to elect representatives. मतलब vote पे हमारा अधिकार है vote देना और representatives elect करना. There are also regular elections. यहाँ बहुत regular elections भी होते हैं. Franchise. Every democratic country has a fixed voting age. हर एक डेमोक्रेटिक की फिक्स्ड वोटिंग एज होती है. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स हु हैव रीच्ड द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल फिल फॉर्म द गवर्नमेंट. जो रिप्रेजेंटेटिव में गवर्नमेंट होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, उसमें जो सिटीजन्स होते हैं वोटिंग एज तक वो जब पहुँच जाते हैं तब उनको अधिकार मिल जाता है वोट करने का. If an adult, if all adult citizens have the right to vote, regardless of their race, religion, wealth, sex, etc., we say there is universal adult franchise. अगर सारे adults को right to vote है, अपने race, religion, wealth, sex, etc. को छोड़ के उनको हक है कि वो वोट दें, उसको कहते हैं universal adult franchise. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. इन इंडिया द वोटिंग एज इज 18 ईयर्स. इंडिया में एज 18 ईयर्स होती है वोटिंग की. एंड देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है. दिस मीन्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन्स एज 18 ईयर्स और अबव कैन वोट. इसका मतलब जो है जो 18 से अबव हो जाते हैं वो वोट दे सकते हैं. वेदर दे आर मैन और वुमेन. या वो मैन है या वुमेन है, रिच है या पुअर है, एजुकेटेड है इलिटरेट है. ऑल्सो नो इंडियन सिटीजन्स ऑफ वोटिंग एज कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट. कोई भी इंडियन सिटीजन उनको मना नहीं कर सकता कि तुम रेस इससे करते हो, रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट. रेगुलर इलेक्शंस. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज फॉर्म फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दैट देर आर फ्रेश इलेक्शंस. इफ द पीपल आर सैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट दे मे वोटेड बैक टू द पावर. इफ नॉट दे मे चेंज द गवर्नमेंट. जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें गवर्नमेंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है. फिक्स्ड पीरियड के बाद थोड़े साल बाद वो नए इलेक्शंस होते हैं. अगर पीपल उस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो पीपल उनको वोट ही ना दे के दूसरी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं. अगर उससे सेटिस्फाइड है तो उसको दोबारा वोट दे के उन्हीं को इलेक्ट कर सकते हैं. In India, election of the central and state legislature are held at least once every 5 years. जो इंडिया में elections होते हैं central और state legislature में वो हमेशा 5 years के बीच में होते हैं. Political parties. A political party is an organization of people who have similar views on political issues. Political party ऐसी organization होती है जो people के similar views होते हैं political issues पर. Every party's aim is to contest and win elections and form the government. हर एक पार्टी का एम होता है कि वो जीते और अपनी गवर्नमेंट बना ले. For this, it needs to win the people's support. इस चीज़ के लिए उसको पीपल का सपोर्ट चाहिए होता है. इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज. इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. इफ एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट विदाउट शेयरिंग पावर विद एनी अदर पार्टी. अगर कोई पार्टी हाफ से ज़्यादा सीट जीत जाती है लेजिस्लेचर में तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है किसी से पावर शेयर करे बिना.
पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. जो वो पार्टी बन जाती है उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी. द अदर पार्टीज फॉर्म द ऑपोजिशन. तो अदर पार्टीज होती हैं जैसे कोई गवर्नमेंट बन गई, बाकी जो गवर्नमेंट बाकी जो पार्टीज हैं उसकी ऑपोजिशन पार्टीज हुई. नो सिंगल पार्टी विंस अ क्लियर मेजोरिटी. टू और मोर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट. अगर कोई भी पार्टी नहीं जीती इन केस, तो अपने से अंडर वाली पार्टी को अपना मान के वो उससे वोट्स ले लेती हैं जितने भी होते हैं, और वो गवर्नमेंट बन जाती हैं. जो ऐसे पार्टी गवर्नमेंट बनती है उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए.